अब राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने आम लोगों को इस बीमारी के खिलाफ जागरूक करने की ठान ली है। इसके लिए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देश पर पुलिस उप अधीक्षक विजय शंकर शर्मा के नेतृत्व में कई पुलिस अधिकारी द्वारा जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में कोविड-19 के लॉकडाउन की पालना और लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों को मास्क वितरण कर सोशल डिस्टेंस की जानकारी देते हुए नजर आए। वैसे तो पुलिस वालों से आमतौर पर दूरी बनाकर रखी जाती है। छोटे बच्चे वर्दी देखकर डर के मारे भाग जाते हैं, इसका कारण पुलिस से रहने वाला एक भय है। इसी बीच जिला कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, जिसमें पुलिस विभाग की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, जिसका निर्वहन झालावाड़ जिले की पुलिस बेखूबी निभा रही है। हम आपको बता दें कि झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत देवरी के ग्राम बागड़वा में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने लॉकडाउन की पालना, जीरो मोबिलिटी की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस उप अधीक्षक विजय शंकर शर्मा को निर्देशित किया था। बागड़वा गांव के शून्य मोबिलिटी क्षेत्र का भ्रमण कर नाकेबंदी कर जीरो मोबिलिटी का पालन के दौरान बिना मास्क के छोटे बच्चे खेलते नजर आए। उन्होंने वाहन रोककर बड़े प्रेम से बच्चों को बुलाकर मास्क पहनाए और उन्हें सोशल डिस्टेंस की जानकारी दी। दूरी दूरी पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, एक यहाँ हो। लगाओ, ये किसी और को नहीं देना है, इसको लगाओ, उल्टा लगने लगाओ, उल्टा लगाओ, एक एक बार तो बांट भी दिए सर इनको। यहाँ खड़ा हो, एक यहाँ हो। लगाओ, ये किसी और को नहीं देना है, खुद को लगाओ, उल्टा लगने लगाओ, उल्टा लगाओ, एक एक बार तो बांट भी दिए सर।